बहुत ही मजबूत है केदारनाथ का मंदिर। 400 साल तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर। हिंदू धर्म में केदारनाथ की काफी मान्यता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए बिना चार धाम पूरे नहीं होते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। चार धामों में से एक केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित बचा रहा। तेरहवीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तुएं रगड़ खाती हुई चलती हैं। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। मजबूत है केदारनाथ का मंदिर। वैज्ञानिक इस बात को दोहराते हैं, मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। मोटी मोटी चट्टानों से पटी है इसकी दीवारें और उसकी जो छत है वो एक ही पत्थर से बनी है। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब हुई है। केदारनाथ घाटी। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले
मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वो मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार झेल नहीं सका। भविष्य की आशंका। दरअसल केदारनाथ का इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। पुराणों की भविष्यवाणी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे इलाके के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव दें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें।